मैं बड़े अदब से बुलाना चाहता हूँ आपकी जोरदार तालियों के बीच इन चार मिस्रों के साथ। उन्हीं के चार मिस्र मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कभी कहा था कि किसी की याद में सिगरेट जलाई थी एक दिन, किसी की याद में सिगरेट जलाई थी एक दिन, तमाम उम्र कटी है धुआं उड़ाते हुए, और हमारी आंख से आंसू नहीं लहू टपका, तेरी विदाई का कल वीडियो बनाते हुए। जनाबे फैज खलीलाबादी से मुझे गुजारिश करता हूँ आपकी जोरदार तालियों के बीच। जनाबे फैज खलीलाबादी साहब माइक पे, आपको एक एक मिसरा आपको इनका ऐसा महसूस होगा जैसे शायरी नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि जादू कर रहे हैं। फैज खलीलाबादी साहब माइक पे। हाजरीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। भाई शिव सागर सहर, भाई शादाब शब्बीरी, छोटे भाई संघर्षशील, हमारे अजीज़ दोस्त डॉक्टर जावेद कमाल साहब, आप सभी के हुक्म पर हाज़िर हुआ हूँ। मैं पूरी टीम तहजीब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और साहिब सदर की इजाज़त से बग़ैर किसी तमहीद के मतला शेर से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। इरशाद अली। कि ना थकावट है ना सुस्ती है ना बेजारी है, ना थकावट है ना थकावट है ना सुस्ती है ना सुस्ती है ना बेजारी है ना बेजारी है। मैं मोहब्बत हूँ, मोहब्बत का सफर जारी है। क्या ना थकावट है ना सुस्ती है ना बेजारी है। मैं मोहब्बत हूँ, मैं मोहब्बत हूँ, मोहब्बत का सफर जारी है। अब मैंने जिस दिन से सुनी तेरी सगाई की खबर, मैंने जिस दिन से सुनी तेरी सगाई की खबर, हर निशानी तेरी दीवार पे दे मारी है। मैंने जिस दिन से सुनी तेरी सगाई की खबर, हर निशानी तेरी दीवार पे दे मारी है। हर निशानी बहुत शुक्रिया, तेरी दीवार पे दे मारी है। मुश्तरका तहजीब हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसके तमाम अमीन यहाँ मौजूद हैं इस महफिल में। मैं शेर पढ़ता हूँ कि जी फैज भाई, दिले हसास जाना चाहता हूँ, दिले हसास जाना चाहता हूँ, मैं अपने पास जाना चाहता हूँ। है क्या नुक्ता नजर है। सिंहासन पर कोई रख दे खड़ाऊ, मैं फिर बनवास जाना चाहता हूँ। कहने हैं वाह 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 वाह। सिंहासन पर कोई रख दे खड़ाऊ, मैं फिर बनवास जाना, मैं फिर बनवास जाना चाहता हूँ। तुम्हारा हमारा मन अगर चिंतित रहेगा, तुम्हारा ध्यान भी विचलित रहेगा। अचिता की राख उड़ जाएगी लेकिन हमारा प्रेम स्थापित रहेगा। अचिता की राख उड़ जाएगी लेकिन हमारा प्रेम स्थापित रहेगा। दाखिला लेने के दौरान भी हो सकता है, दाखिला लेने के दौरान भी हो सकता है, इश्क में आपका चालान भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है एक ऐसी पूंजी, आप जब चाह लें भुगतान भी हो सकता है, भी हो सकता है। वाह। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है एक ऐसी पूंजी, आप जब चाह लें, आप जब चाह लें भुगतान भी हो सकता है। करती रहती है परेशान नहीं मानती है, करती रहती है परेशान नहीं मानती है, क्या करूं फितरते इंसान नहीं मानती है। वाह। एक एक सांस लुटाई है इसी की खातिर, फिर भी दुनिया मेरा एहसान नहीं मानती है। वाह। एक एक सांस लुटाई है इसी की खातिर, फिर भी दुनिया मेरा एहसान नहीं मानती है। खुदा के वास्ते
इतना ख्याल कर दीजिए, खुदा के वास्ते इतना ख्याल कर दीजिए, जमाने भर में मुझे बेमिसाल कर दीजिए। वाह, अजीब उसने मोहब्बत में शर्त रखी है, है। मुझे गुलाब नहीं दिल निकाल कर दीजिए। क्या शेर है फैज, अरे फैज भाई, फैज भाई, फैज भाई, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, अभी आपको पढ़ना है, आइए। अगर आप चाहते हैं फैज भाई पढ़े तो जोरदार तालियां बजाइए एक बार और। बहुत मोहब्बत जी फैज भाई, बहुत मोहब्बत दोस्तों, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मतला सुने साहब की झूठ फरेब हसद मक्कारी छूट गई है, शुक्र है मुझसे दुनियादारी छूट गई है, जहां से उसको रुखसत करके लौटे थे हम, वहीं कहीं पर नींद हमारी छूट गई है, जहां से उसको रुखसत करके लौटे थे हम, वहीं कहीं पर नींद हमारी छूट गई है, सोचते रहने से हर वहम कहां निकलेगा, सोचते रहने से जब यकीन आएगा दिल में तो गुमा निकलेगा, क्या कहने, लोग जब भी मेरे कमरे की तलाशी लेंगे, क्या शेर है भाई, चाय की केतली सिगरेट का धुआं निकलेगा, लोग जब भी मेरे कमरे की तलाशी लेंगे, चाय की केतली सिगरेट का धुआं निकलेगा, एक ही रस्म थी बाकी जो निभा दी गई है, आहा, एक ही रस्म थी बाकी जो निभा दी गई है, लाश जलती हुई गंगा में बहा दी गई है, लाश जलती हुई गंगा में बहा दी गई है, जिस गली ने मुझे आदाबे सुखन बख्शा था, उस गली में मेरी आवाज दबा दी गई है, क्या कहने हैं, जिस गली ने मुझे आदाबे सुखन बख्शा था, उस गली में मेरी आवाज दबा दी गई है, अब हकीकत को कहानी से अलग करना है, अब हकीकत को कहानी से अलग करना है, देवरानी को जेठानी से अलग करना है, वाह बहुत शुक्रिया, अब हकीकत को कहानी से अलग करना है, देवरानी को जेठानी से अलग करना है, ख्वाब जितने हैं मेरी आंखों के दरिया में मुकीम, इन मगर मच्छों को पानी से अलग करना है, क्या जाविया, ख्वाब जितने हैं मेरी आंखों के दरिया में मुकीम, इन मगर मच्छों को पानी से अलग करना है, तूने दिल को मेरे सीने से अलग कर दिया है, एक सहाबी को मदीने से अलग कर दिया है, मुफलिसी मेरी उठा लाई है परदेश मुझे, मुझको सावन के महीने से अलग कर दिया है, क्या कहने फैज भाई, मुझको सावन के महीने से अलग कर दिया है, और किसी रिश्ते में मिलावट नहीं अच्छी लगती, इसलिए खून पसीने से अलग कर दिया है, किसी रिश्ते में मिलावट नहीं अच्छी लगती, इसलिए खून पसीने से अलग कर दिया है, सुलगती धूप में हर सायबान दे चुका हूँ, मैं इस जमी को कई आसमान दे चुका हूँ, क्या कहने, तू दिल नशी है, वफादार है, जहीन भी है, मगर मैं और किसी को जबान दे चुका हूँ, क्या कहने हैं, बहुत शुक्रिया, अरे फैज भाई एक आध गजल और सुना दीजिए, और ये शेर फिर से सुना दीजिए फैज भाई दोबारा, मुकर्रर इरशाद, तो दिल नशी है, वफादार है, जहीन भी है,
मगर मैं और किसी को जबान दे चुका हूँ। सर पे माजी के कभी हाल नहीं रखते हैं। क्या उम्दा शेर है। दिल के आईने में हम बाल नहीं रखते हैं। आहा। बैठ जाते हैं जहाँ वक्त बिठाता है हमें, हम किसी सीट पे रुमाल नहीं रखते हैं। वाह 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 वाह। बैठ जाते हैं जहाँ वक्त बिठाता है हमें। क्या बात। हम किसी सीट पे रुमाल नहीं रखते हैं। वक्त बेवक्त उजालों से मदद मांगते हैं। वक्त बेवक्त उजालों से मदद मांगते हैं। हम तेरे चाहने वालों से मदद मांगते हैं। क्या कहना। इसलिए दूर नहीं होती बदन की खुश्की, हम समंदर नहीं नालों से मदद मांगते हैं। क्या कहने। हम समंदर नहीं नालों से मदद मांगते हैं। साहिब सदर को ये शेर नजर करता हूँ। हम समंदर नहीं नालों से मदद मांगते हैं, जो यहाँ फैज के गालिब के न तुलसी के हुए, लोग उन अदबी दलालों से मदद मांगते हैं। क्या सच्चा शेर है भाई। जो यहाँ फैज के गालिब के न तुलसी के हुए, क्या बात, लोग उन अदबी दलालों से मदद मांगते हैं। अजान होते हुए बेजान दिखाई देना, जान होते हुए बेजान दिखाई देना, कितना मुश्किल है परेशान दिखाई देना। मुझको ले आया मेरे वहमो गुमा से आगे, छाँव में धूप का इम्कान दिखाई देना। क्या बात। छाँव में धूप का इम्कान दिखाई देना। मतलब सुने साहब के भटकने वालों का जी काम पर लगा दिया है। भटकने वालों का जी काम पर लगा दिया है। असासा जो था तेरे नाम पर लगा दिया है। हमारी रूह सफर पर निकल गई है कहीं, हमारे जिस्म को आराम पर लगा दिया है। हमारी रूह सफर पर निकल गई है कहीं, हमारे जिस्म को आराम, हमारे जिस्म को आराम पर लगा दिया है। अब भी साथ क्या मेरी इल्जाम इस जमाने ने, सलोने सांवले घनश्याम पर लगा दिया है। भी साथ क्या मेरी इल्जाम इस जमाने ने, सलोने सांवले घनश्याम पर लगा दिया है। करती है जो हर जख्म की भरपाई अकेली, ले दे के मेरे पास है रुसवाई अकेली। बादल से कहो लौट के परदेश से आ जाए, सावन के महीने में है पुरवाई अकेली। क्या कहने। सावन के महीने में है पुरवाई अकेली। और जब घर में नजर आते थे उधड़े हुए रिश्ते, एक माँ थी जो कर देती थी तुरपाई अकेली। जब घर में नजर आते थे उधड़े हुए रिश्ते, एक माँ थी जो कर देती थी तुरपाई अकेली। एक मतला शेर मुलाहिज़ा फरमाए, उसके बाद आपकी जहमतें तमाम, के जो काम होना नहीं था वो काम हो गया है। जो काम होना नहीं, हमारा दिल भी किसी का गुलाम हो गया है। क्या कहने हैं। हमारा दिल भी किसी का गुलाम हो गया है। कुछ इसलिए मैं मोहब्बत से दूर भागता हूँ, मोहब्बतों में बड़ा तामझाम हो गया है। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा फैज भाई। क्या कहने। वाह 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 वाह। फैज भाई ने हर तरह के शेर सुनाए और बेहतरीन शायरी से नवाजा, इसके लिए उन्हें बहुत मुबारकबाद।